प्रदेश की पांचवी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज रीवा में शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10:30 बजे इस कॉन्क्लेव का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के मुख्य हॉल में शुभारंभ करेंगे। और बता दें कि कॉन्क्लेव में कई बड़े उद्यमियों के शामिल होने की जानकारी है और फूड से लेकर सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट तक लगाए जाने की संभावना है। और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। ये विंध्य क्षेत्र और रीवा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस प्रकार का आयोजन इसके पहले कभी विंध्य क्षेत्र में हुआ नहीं है। लोग दूसरे जगह आयोजन होते थे और यहाँ के लोग उसको देखा करते थे, लेकिन अब उसके साक्षी बनेंगे और दुनिया के देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर निवेश की तमाम संभावनाएं जो वर्षों से रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के कारण हम उनको आमंत्रित नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम उनको सिर ऊंचा करके आमंत्रित कर रहे हैं। आइए, यहाँ पर शानदार सड़कें हैं, यहाँ पानी है, यहाँ जमीन है, यहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी है, यहाँ पर एयरपोर्ट है और ड्राईपोर्ट भी यहाँ बनने वाला है। तो आइए यहाँ पर निवेश करिए, अपना उद्योग लगाइए, आप भी फायदा लीजिए और हमारे क्षेत्र को भी डेवलप करने में अपना योगदान दीजिए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आकाश शर्मा को टिकट दिया और आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सुनील सोनी से होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। रायपुर दक्षिण सीट भाजपा विधायक ब्रज मोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया गया था। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा पर मुहर लगाया, उन्हें प्रत्याशी बनाया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश शर्मा जी, कई दावेदार सामने थे लेकिन अंततः आपके नाम पर मुहर लगी है, युवा प्रत्याशी हैं, नए चेहरे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया है और मैं सचिन पायलट जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज का और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, चरणदास महंत जी का, टीएस सिंधिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह कांग्रेस पार्टी के सम्मान वर्ग के परिवार के लोगों को मौका, और कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि सम्मान वर्ग के परिवार को लोगों को अवसर मिलता है। आपके कांग्रेस में ही कई लोगों ने नामांकन फॉर्म ले लिया था, अब उनका क्या होगा, उनको किस तरीके से? वही सब हम लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में अगुवाई में सब लोग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी एक होकर दक्षिण जिला फतेह करेगी। आप प्राथमिकताएं क्या होगी अब आपकी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, उसके बाद भी लेकिन आज भी दक्षिण की जनता जो है मूलभूत चीजों के लिए भटक रही है। यहाँ पर दो बारिश हो जाती है तो जल भराव स्थिति हो जाती है। दक्षिण विधानसभा के आज इसी देख लीजिए, और ये पश्चिम में दिल्ली इंटरनेशनल लाइब्रेरी, इंटरनेशनल पुल, वही यहाँ पर विस्तारीकरण, नया नवीनीकरण इस विधानसभा का नहीं हुआ है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो रहे हैं, खुद भी 2 बार में यहाँ महापौर और सांसद रहे हैं, वही बता दें क्यों 15 3-3 बार उन्हें मौका मिला है, क्यों उन्हें क्या कुछ क्या है ऐसा कार्य किया रायपुर दक्षिण के लिए जो उनके रायपुर दक्षिण की जनता उन्हें वोट दे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में गूंजा बाहरी का मुद्दा, सांसद ब्रज मोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, और जबकि सुनील सोनी को उन्होंने यहां का स्थानीय और चहेता बताया। आपको बता दें कि ये जो चुनाव है अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, अब चूंकि समय नजदीक है, ऐसे में बड़े नेताओं के भी बयान सामने आने लगे हैं। कर दी मेहरबा आते आते कांग्रेस के 4-4 गुटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी। और कजान में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी, आज पीएम मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक होनी है। 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बैठक होगी। सीमा पर शांति वार्ता के बाद अब कजान में बैठक हो रही है, और ये देखिए मुलाकात बहुत दिलचस्प होने वाली है, सभी की निगाहें इस मुलाकात पर रहने वाली हैं। और द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज
जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक होने जा रही जिनपिंग के साथ, और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से सीमा पर लगातार शांति वार्ता चल रही थी, इसके बाद अब कजान में आज बैठक होने वाली है। और 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी उन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही द्विपक्षीय वार्ता चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी होनी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच में कजान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेकिशियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कजान पहुंचे हैं, और हिजबुल्लाह से संघर्ष के बीच इजराइल और ईरान के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पेजेशकिया ने कहा कि पीएम मोदी के साथ अच्छी बैठक, अच्छी बातचीत हुई। और हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का इजरायली सेना ने कुछ ही घंटों में बदला ले लिया है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के मार्ज हारोफ पर हवाई हमला किया। दावा किया जा रहा है कि दक्षिण लेबनान के इस इलाके में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मौजूद थे, और इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान भी इस इलाके में तबाही मचाए हुए है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर हमला किया। और इसी के साथ 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।